सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने निकाला 3 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा को उप जिलाधिकारी फतेहाबाद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विद्यालय में महाप्रबंधक द्वारा किया गया ध्वजारोहण। तिरंगा यात्रा में निकाली गई आधा दर्जन मनोहारी झांकियां। विद्यालय के बच्चों में दिखा देशभक्ति को लेकर जज्बा। फतेहाबाद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस संपूर्ण फतेहाबाद क्षेत्र में बड़े उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज पर कॉलेज के महाप्रबंधक शिशुपाल शरद द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विशाल तिरंगा झंडा यात्रा निकाली गई, जिसे उप जिलाधिकारी फतेहाबाद विजय कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा विद्यालय से प्रारंभ होकर गांधी चौक पर पहुंची, जहां पर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्रीय गान किया गया। तिरंगा यात्रा में आधा दर्जन मनोहारी झांकियां, भारत माता, वीणा वादिनी, राधा कृष्ण आदि झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। तिरंगा यात्रा रैली विद्यालय से प्रारंभ होकर गांधी चौक, सदर बाजार, अम्बेडकर चौक, रोडवेज बस स्टैंड होते हुए अवंतीबाई चौक पर पहुंची। तिरंगा यात्रा के दौरान छात्र छात्राओं में देशभक्ति का भारी जज्बा देखा जा रहा था। छात्र छात्राएं हाथों में तिरंगा झंडा लिए देशभक्ति के गीत गाते चल रहे थे। तिरंगा यात्रा अवंतीबाई चौक से होती हुई विद्यालय पर जाकर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा के दौरान जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत करते देखे गए। तिरंगा यात्रा में भाग लेने वालों में प्रमुख रूप से उप जिलाधिकारी फतेहाबाद विजय कुमार शर्मा, विद्यालय के महाप्रबंधक शिशुपाल शरद, प्रबंधक अभिषेक शरद, अध्यक्ष प्रतिनिधि रवि प्रकाश सल्या, प्रधानाचार्य राखी यादव, ABRC संजय शर्मा, गिरिराज किशोर के अलावा विद्यालय का स्टाफ मौजूद था। सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और हर घर में तिरंगा फहराया जाना है। अभी भी जो लोग किसी वजह से तिरंगा ना फहरा पाए हों, वो अपने घरों में तिरंगा अवश्य फहराएं। और जो एक मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें आप लोग अपूर्व सहयोग दें, ऐसी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद। फतेहाबाद से सुशील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।